हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि जिन व्यक्तियों के 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? तो ये निर्णय लिया है असम के मंत्रिमंडल ने। तो असम में जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और यह नीति 1 जनवरी 2021 से लागू होगी। यानी कि 1 जनवरी 2021 के बाद से 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को असम में नौकरी नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा असम की मंत्रिमंडल ने एक नई लैंड पॉलिसी को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत ऐसे लोग जो असम के मूल निवासी हैं लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो उन्हें सरकार की ओर से 3 बीघा ज़मीन दी जाएगी, और घर बनाने के लिए भी 0.5 बीघा ज़मीन दी जाएगी। लेकिन जिन लोगों को ज़मीन दी जाएगी वो लोग 15 सालों के लिए उस ज़मीन को नहीं बेच पाएंगे, यानी कि 15 साल के बाद ही वो उस ज़मीन को बेच सकते हैं। और बात ये असम की, तो मैं आपको असम के बारे में बता देता हूँ। असम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। असम की राजधानी है देसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभयारण्य हैं। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क और पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य है। असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू, नट पूजा, खेल गोपाल और कली गोपाल। ये असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। असम का प्रमुख मंदिर है कामाख्या मंदिर, जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न, QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? तो इसमें शीर्ष पर रही IIT बॉम्बे। अभी हाल में QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी की गई है, और इसमें IIT बॉम्बे पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, और इसमें तीसरे स्थान पर है IIT दिल्ली। अगला प्रश्न, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन है पंकज कुमार। ये हैं पंकज कुमार। तो पंकज कुमार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नया CEO नियुक्त किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर 2024 ओलंपिक खेलों का लोगो लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी पेरिस में। 2024 के ओलंपिक खेल फ्रांस में होंगे, तो फ्रांस के पेरिस में 2024 ओलंपिक खेलों का लोगो लॉन्च किया गया है। 2024 के ओलंपिक खेल फ्रांस में होंगे, 2020 के होंगे टोक्यो जापान में, और 2022 के होंगे चीन में। अगला प्रश्न, सौरभ गांगुली BCCI के कौन से नंबर के अध्यक्ष बन गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन भी 39वें नंबर के। अभी तक BCCI के अध्यक्ष थे CK खन्ना, जो कि 38वें नंबर के अध्यक्ष थे। तो अब सौरभ गांगुली BCCI के 39वें नंबर के अध्यक्ष बन गए हैं। और इसके अलावा BCCI का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है महीम वर्मा को। अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को, और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है महीम वर्मा को। और BCCI का सचिव नियुक्त किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को। तो ये तीनों आप ध्यान रखिए, BCCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है महीम वर्मा को, और सचिव नियुक्त किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को। और बात हुई BCCI की, तो BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में, और BCCI का मुख्यालय मुंबई में।
अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश के हितधारकों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई गुवाहाटी में, तो अभियान में असम के गुवाहाटी में भारत बांग्लादेश के हितधारकों की पहली बैठक आयोजित की गई, और बांग्लादेश की ओर से इसमें बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने भाग लिया। और बात हुई बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला प्रश्न, विदेश मंत्रालय में नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विदेश मंत्रालय में नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है अशोक मलिक को। और बात हुई विदेश मंत्रालय की, तो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का मानद आजीवन सदस्य नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ग्रीम स्मिथ को। यह है ग्रीम स्मिथ और ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का मानद आजीवन सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कल के प्रश्नों की। तो कल मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था, सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो इसका सही आंसर था एस ए बोबडे, और ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसे सर्वाधिक वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर था के पारासरन को, जो कि पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, पीपल्स चॉइस अवार्ड 2019 में पीपल्स आइकन अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में 2017 के अपराध की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।